तो हम इंसानों के अंदर हमेशा से ही भविष्य को जानने की तड़फ जरूर से रही है। इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे हमेशा से निकलते आए जिन्होंने समय समय पर भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत किए हैं। इसी कड़ी में आपने बहुत फेमस एक नाम जरूर से सुना होगा, मिशेल दी नास्त्रदामस, जो कि 15वीं शताब्दी में निकले और उनकी प्रोफेसिस आज तक लोग बताते हैं। मेरे ख्याल से प्रोफेसिस के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस वही रहे हैं। अभी जिनकी हम बात करने वाले हैं उनको मॉडर्न नास्त्रदामस कहा जाता है और इनके ऊपर शायद बहुत पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। और इनकी हालिया दिनों में एक प्रोफेसी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने इस साल के अंत को लेके कुछ खास चीज़ें कही हैं। अब क्या है वो प्रोफेसीज, कितनी सच हुई है इनकी पहले प्रोफेसीज, उन सभी के ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। तो दर्शनों दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एथो सेलोम के बारे में, जो कि ब्राज़ील से आते हैं और वर्तमान समय में इनको मॉडर्न टाइम का नास्त्रदामस भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है तो आपको बता दूं, नास्त्रदामस अपनी भविष्यवाणी को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनकी सटीकता को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस थे। और पिछले कुछ समय में एथोस की भी बहुत सारी प्रोफेसी सही हुई हैं, चाहे वो एक महामारी को लेके हो, रानी एलिजाबेथ की डेथ को लेके हो। इसके अलावा ट्विटर में जो एलोन मस्क का पूरा गेम रहा है, जो चेंजेस रहे हैं उनको लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो कि इनकी सच हुई हैं, इसी कारण से इनको मॉडर्न नास्त्रदामस कहा जाता है और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अब वर्ल्ड वाइड भी ये फेमस होते जा रहे हैं। और इन्होंने इस साल के अंत को लेके कुछ बहुत ही खास भविष्यवाणियाँ की हैं, तो खैर उसको जानते हैं। उससे पहले इनके कुछ एक्सपीरियंस है जो इन्होंने खुद बताए कि बचपन से ही इन्हें आने वाली घटनाओं के बारे में अंदेशे हो जाते थे और बाकी सब चीज़ें, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो द सन में एक न्यूज़ छपी थी जिसके अनुसार अभी जो मैं प्रोफेसीज बताऊंगा वो बताने वाला हूँ आपको, बाकी जो वो पूरा आर्टिकल वो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा रखा है पॉज करके। खैर इनका अनुभव पहले बैठते हैं हम लोग। इन्होंने बताया कि मैंने 12 साल की उम्र में ही यह महसूस किया कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, जिन घटनाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं है, जिन घटनाओं का मुझसे कोई वास्ता नहीं है, उन्हीं के बारे में मैं कुछ जान जाता था। कभी कभी मैं खुद भी डर जाता हूँ क्योंकि कई बार मैं ऐसी बातें कह देता हूँ जो संभव नहीं लगती, पर वो कुछ समय बाद सच हो जाती हैं। इसके अलावा इस साल के अंत को लेकर उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए हैं जिनके बारे में बात करते हैं इस इंटरव्यू के अंदर। दिसंबर में भूकंप और बाढ़ से दुनिया दहल जाएगी, इसके साथ ही कई जगहों पर ज्वालामुखी फटने की भी संभावना है, खासकर इंडोनेशिया और जावा में कई इलाके। इसके अलावा अमेरिका का भी हिस्सा इसके अंदर आएगा, मतलब जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, इसके अलावा बाढ़ जैसी घटनाएं ये बहुत तीव्र गति से होंगी, वो इन तीन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होंगी। कोलंबिया कनाडा में भी कई तरह की आपदाएं आएंगी, अगर अभी से इंसान संभल जाए तो इन आपदाओं का असर भी कम है हो जाएगा और लोग ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो देखिए जाते जाते इन्होंने कुछ और चीज़ भी ऐड कर दी कि अगर इंसान संभल जाए, जाहिर सी बात है अभी नेचर का जो हम हास कर रहे हैं दिनों दिन, जो प्रकृति का एक तरह से बोलते हैं अनादर कर रहे हैं, जो स्थिति हमने कर दी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी देखा जाए तो नदियों की हालत देख लीजिए। अभी जो ये छठ पूजा के समय में यमुना नदी की हालत हुई थी आप सभी ने जरूर से देखी होगी और वो समय फोकस में आई, बाकी ऑलरेडी उसकी ये हालत तो है ही, उसमें भी उन्होंने शायद कुछ साफ़ करने का ट्राई किया हो पर फिर भी हुआ नहीं होगा। दुनिया भर का केमिकल डाल रखा है उसके अंदर, जितने भी गंदगी है सब कुछ माँ यमुना में ही डाला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ तो बाहर तो कैसी कैसी स्थितियाँ होंगी। तो वर्ल्ड वाइड स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, ये ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं नेचर की, इसीलिए नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं ये मान के चलिए। अगर कोई सोचता है कि कोई हार्प या ऐसे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नेचर की एनर्जी है जो कि लाइट फॉर्म में भी अभी तो दिखाई दे रही है वर्ल्ड वाइड कई एरियाज में, आसमान में स्वीडन से लेके यूक्रेन, रसिया और भी पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, यूरोप के कई एरियाज में और इंडिया में भी ऑलरेडी दिखाई दी थी। तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि युग परिवर्तन का समय अभी ही चल रहा है, चाहे आप मालिका का रेफरेंस लें, चाहे ब्रह्म कुमारी इसका, चाहे बाबा जय गुरुदेव वाली संस्था, या फिर गायत्री परिवार, या फिर क्लियर रेस्टोरेंस अगर बात की जाए तो नेचर अपने आसपास अगर उसको भी देखें तो वो भी क्लियर संकेत कर रही है। अब समझने वाले लोग चाहिए कि अगर वो समझ पाते हैं, मेनली नेचर से जुड़ पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नेचर का सम्मान नहीं किए तभी ये स्थिति पैदा हुई है, जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ा है इसीलिए ये समस्या पैदा हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर कुछ बदलाव होगा तो नेचर में और मेनली सिस्टम में।
बहुत इजी चीज़ है समझने में। खैर, एथोस की भविष्यवाणी को लेके आप लोगों के क्या मत हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई सारी प्रोफेसीज़, कई सारी प्रिडिक्शंस ऑलरेडी कर रखी हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 को लेके हो, क्वीन की डेथ को लेके हो, और भी कई सारी फुटबॉल मैच और ये सब तो करते ही रहते हैं कई सारे लोग, उसमें ये भी शामिल हैं। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है इनकी प्रोफेसीज़ किस हद तक ठीक होंगी, या फिर जो मालिका है क्या इससे ही इन्होंने रिलेट किया है, ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो दोनों ही जगह जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक है, जाके जाओ जल्दी से ज्वाइन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।